इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। महिला पतंजलि योग समिति द्वारा महिला दिवस पर कार्यक्रम। महिला पतंजलि योग समिति उत्तर प्रदेश मध्य द्वारा महिला दिवस पर कार्यक्रम आज दिनांक 12 मार्च 2023 को लखनऊ के रविंद्रालय में आयोजित किया गया। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं W20 के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शीर्षक शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक वेलनेस था। कार्यक्रम का संचालन महिला पतंजलि उत्तर प्रदेश मध्य की राज प्रभारी श्रीमती वंदना बर्नवाल ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला चिकित्सा डॉक्टर अर्चना भटनागर ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनऊ के मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया थीं। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम हुआ तथा कार्यक्रम की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ गणेश वंदना से हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर अर्चना भटनागर ने महिलाओं को योग के फायदे बताकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के कई जिले लखीमपुर कानपुर लखनऊ झांसी उन्नाव आदि जिलों से महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें उत्तराखंड का परंपरागत लोक नृत्य योग संबंधित कार्यक्रम, पुत्री जन्म लेने पर एक सोहर गीत, एकल नृत्य, महिलाओं के लिए कविता, कन्या भ्रूण हत्या पर एक लघु नाटिका आदि कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों और कार्यक्रम कर रही बहनों को तथा सभी जिला प्रभारी को उत्तर प्रदेश मध्य की राज प्रभारी श्रीमती वंदना बर्नवाल की तरफ से प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी प्रदान किए गए। योग समिति द्वारा उपस्थित भाइयों को भी सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना मौर्य, सरदार जी पटेल डेंटल कॉलेज की चिकित्सक स्नेहलता, उत्तर प्रदेश मध्य महिला पतंजलि की कोषाध्यक्ष श्रीमती पूनम हेकड़वाल, लखनऊ की जिला प्रभारी श्रीमती सुनीता गुप्ता, श्रीमती रीना सक्सेना एवं समस्त जिलों के जिला प्रभारी, योग की साधिकाएं बहने, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लखनऊ पश्चिम के अध्यक्ष श्रीमती शिवानी निगम, साथ ही महिला मोर्चा के अन्य पदाधिकारी गढ़ सदस्य गढ़ समेत अनेक महिलाएं बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल पूर्वक आयोजित करने के बाद राज्य प्रभारी श्रीमती वंदना बर्नवाल ने सभी को धन्यवाद कहा। महिला पतंजलि की तरफ से सभी आए अतिथिगढ़ महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। लखनऊ से इंडिया एक्सप्रेस चीफ एडिटर सारिका सक्सेना की एक रिपोर्ट। वंदना जी, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है और मुझे लगता है कि आपके प्रत्येक कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रण दिया और मैंने पूरा पूरा प्रयास करके मैं आपके बीच में मैंने भी आने का प्रयास किया और यही एक महिलाओं की शक्ति होती है जो एक दूसरे को प्रेरित करती है। वंदना जी जिस तरह से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से वो महिलाओं के मन में एक जागरण की भावना पैदा कर रही है। तो जब हम शारीरिक रूप से जब हम स्वस्थ होते हैं योग के माध्यम से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब योग से जुड़े भी हैं और योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे। और वैसे भाई कहा जाए, देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की महिलाओं को आवश्यकता मुझे तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि महिला लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि महिला जो है वो सशक्त है, क्योंकि एक आवश्यकता है केवल उसे अवसर देने की। महिलाएं जब भी महिलाओं से मिलती हूँ और महिलाओं के कार्यक्रम में रहती हूँ तो अक्सर ये बात कहती हूँ कि मैं एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भागी नारी है, तो इसका हम सब जानते ही हैं और उनकी इससे उनको पूरी तरह से महिलाएं शिकायत करती हैं। महिलाएं वो शक्ति हैं जो एक चाहे धर्म के क्षेत्र में हो या फिर वो किसी कार्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हर किसी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका वर्चस्व रहा है। और आज धर्म को अगर बचाने का कार्य कोई कर रहा है, परंपराओं को बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का कोई कार्य कर रहा है, तो केवल और केवल महिलाएं कर रही हैं। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पर 4 साल 5 साल पहले चुनाव लड़ रही थी, तो 5 साल होते मौजूदे बने हुए, जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो उस समय लोग मुझसे पूछ रहे थे, पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि आप एक महिला हैं, इतना बड़ा शहर कैसे संभालेंगी। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि कारण यह था कि 110 वर्ष हो गए हमारे नगर निगम को बने, लेकिन 110 वर्ष में किसी महिला को अभी तक ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था और मुझे पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि एक महिला होकर पूरे शहर को कैसे संभालेगी। तो जब वो मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि आप एक महिला है, महिला होकर एक शहर को कैसे संभालेंगी, तो मैंने उनसे ये कहा था कि महिला हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह संभालूंगी, क्योंकि महिलाएं वो होती है जो अपने घर को सजाकर संवारकर सुव्यवस्थित करके रखती है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आमदनी उनकी कम हो या ज्यादा हो, अपने अपना अच्छा बजट बनाती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, अपना बजट बनाती है, अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चलाती है और अपने घर को सजाकर सुव्यवस्थित करके रखती है। तो इसलिए मैं भी महिला हूँ और महिला होने के नाते से मैं शहर को सजाकर संवारकर सुव्यवस्थित करके रखूंगी, क्योंकि महिला हूँ, घर को सजाकर रखती हूँ इसलिए शहर को भी सजाकर रखूंगी। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 5 वर्षों में आपका शहर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, सजकर सुव्यवस्थित भी हो गया है। और हमारी रैंकिंग 269 नंबर पर थी उस समय, आज हमारे शहर की रैंकिंग पूरे देश में, पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में तो हम नंबर 1 पर हैं लेकिन पूरे भारत में हम 269 नंबर पर थे, आज हम 17 नंबर पर हैं। तो ये महिला की शक्ति है और महिला वो कर सकती है अगर, लेकिन आवश्यकता है महिला को अगर पूरी तरह से सबका सहयोग प्राप्त हो। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ, सारी महिला शक्ति का सहयोग प्राप्त हुआ और हमने मिलकर एक लखनऊ को नया दिशा देने का प्रयास किया। और ये छोटा सा उदाहरण इसलिए दूँ कि क्योंकि मेरा अपना ये उदाहरण है इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मेरे से बड़ी बड़ी और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव करने का प्रयत्न किया। आज महिला चाहे वो ई रिक्शा चलाकर अपना वर्चस्व कायम कर रही है, और वही महिला हवाई जहाज उड़ाकर और रक्षा की सेना में भर्ती होकर भी अपने काम को अपने प्रभावित कर रही है। तो क्या महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर क्षेत्र में वो अपना प्रभाव दिखाकर, अपना परचम लहराकर दिखा रही है। आवश्यकता है केवल इस बात की, सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, सशक्त तो वो है ही, क्योंकि अगर सशक्त ना होती तो देवी के समान पूजी ना जाती। आज वो सशक्त हैं, देवी के समान पूजी जाती थी और आगे भी पूजी जाती रहेंगी, लेकिन सशक्त होने के साथ साथ उनको आवश्यकता है एक दिशा मिलने की और एक अवसर प्राप्त होने की। और जब उनको अवसर प्राप्त होता है तो वह हवाई जहाज क्या आसमान पर उड़कर दिखाती हैं, अपना परचम लहराकर दिखाती हैं। हमारे शहर की एक बेटी हैं अरुणिमा, जिसको आप सब लोग जानते हैं, जिनके दोनों पैर न होने पर एक बार एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर कट गए और वो आर्टिफिशियल पैरों से उन्होंने हिमालय की चोटी पर झंडा फहराकर साबित कर दिया कि हमारे अंग न होने पर भी महिला अगर अपना निर्णय कर लेती है, अब ठान लेती है तो इस कार्य को पूरा करके छोड़ती है। तो आप सब महिलाएं आज यहाँ पर उपस्थित हैं, महिला दिवस मना रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, आप सशक्त हैं। और मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त जब आप महसूस करेंगी तो निश्चित रूप से आप में सशक्तिकरण के भाव पैदा होंगे, और मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए वंदना जी आपको एक दिशा देने का प्रयास कर रही हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सशक्त करने का कार्य कर रही हैं। तो मैं इस पतंजलि योग के सभी बहनों को, विशेष करके वंदना जी जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनको विशेष रूप से महिला दिवस बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आशा करूँगी कि इसी तरह से सारी महिलाएं अपने अपने आप को सशक्त करें और आने वाले समय में, अभी भी हम देख रहे हैं अगर हमारा समाज कहीं अगर कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को भी संभालने का काम महिलाओं का है। मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा समय आता है जब दिशाहीन बच्चे हो जाते हैं तो उनको अगर दिशा देने का काम ही अगर कोई कर सकता है तो एक माँ कर सकती है बच्चों को। जब कभी ऐसे केसेस आते हैं, सुनने को मिलता है, अखबारों में पढ़ा जाता है या सुनने को मिलता है कि इस जगह पर एक दुर्घटना घट गई और किसी बच्चे ने किसी बेटी का रेप कर दिया, तो मुझे लगता है कि अगर एक बेटे को अगर माँ ने अच्छी शिक्षा दी होती तो शायद ये काम नहीं हुआ होता। तो एक माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य है
वो बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर आने वाली पीढ़ी को आने के आगे बढ़ाने का भी कार्य कर सकती है। अपने अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को बचाने का कार्य तो वो कर ही रही है, क्योंकि अगर हमारी जितने भी त्योहार आते हैं, जितनी भी परंपराएं होती हैं, मैं देखती हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और महिलाएं ही उसको परिपूर्ण करने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने का कार्य करेगी। जय हिंद, जय भारत। गोद में कोई कन्या आए तो आप ये सोहर जरूर गुनगुनाइएगा। जिस तरह राम जी के जन्म ने अयोध्या को उन्नत किया था, उसी तरह जानकी जी के जन्म से वर्षों का अकाल दूर हुआ था, झमाझम पानी बरसा था, अनधन उपजे थे, तो हम उसी की खुशियां मनाएंगे सीता जी के जन्म का उत्सव मनाकर। मिथिला में सीता जी का जन्म हुआ है और देखिए वहां के लोग कैसे गीत गा रहे हैं। हो रे मिथिला मगन भैयाज, सिया जी को जन्म भयो है, अरे मिथिला मगन भैयाज, सिया जी को जन्म भयो है, सुनैना के हर्ष अपार, सिया जी को जन्म भयो है। सिया जी के जन्म को आप भी गाइए। आप लोग बहुत देर से निष्क्रिय बैठे हैं, मेरे साथ गुनगुनाइए जरूर। सुनैना के हर्ष अपार, सिया जी को जन्म भयो है, मिथिला मगन भई आज, हाँ हाँ सुनैना के हर्ष अपार, मुदित जनक जी मोहर लुटावे, मुदित जनक जी मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, हाँ मोहर लुटावे, हो रे बाटे रुपया हजार, सिया जी को अरे मिथिला मगन भैया, सुनैना के हर्ष अपार, रानी सुनैना पल न झूलावे, रानी हाँ पल न झूलावे, हाँ पल न झूलावे, अरे ले बलैया हजार, सिया जी को जन्म भयो है, अरे ले बलैया हजार, सिया जी को जन्म भयो है, मिथिला मगन भैया, ओ झगड़ना उनिया बिगड़न उनिया, झगड़न बिगड़न उनिया, झगड़न बिगड़न उनिया, झगड़न बिगड़न, अरे मारे सुने कहे हार, सिया जी को अरे मारे जनक नगरी में लक्ष्मी जी आई हमारे अंगनवा, लक्ष्मी जी आई
क्षमा देवी। माली ने भी स्वीकार किया, प्यार से निहारा, प्यार से निहारा, सींचा अपने रक्त से ढेर सारा प्यार दिया। पर ये क्या
मेरा नाम सुरुचि है और मैं NWP चिन्हट लखनऊ की योग कक्षा से हूँ। हम उपासना जी की सुरक्षा में उनके ही मार्गदर्शन में योग सीखते हैं। मैं अभी एक बहुत सुंदर झांकी कन्या भ्रूण हत्या पर बहनों ने प्रस्तुत किया। मैं आपके समक्ष आई हूँ इस कन्या जन्म पर उत्सव मनाने के लिए, आपको तैयार करने। जिस तरह हमारी बड़ी बहन चिकित्सिका जी ने महिलाओं की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बातें करी हैं, तो मैं आपको एक सामाजिक उन्नति का मार्ग बताती हूँ। हमें सदैव अपने ऊपर, अपने महिला होने पर गर्व करना चाहिए और हमारे घर जब भी कन्या हो तो हमें बड़े उत्सव के साथ उसके आगमन का स्वागत करना चाहिए और गीत गा के उसके आगमन को धन धन्य करना चाहिए। अतिथि आए इस मंच पर, जगह जोरदार हो तालियां। सभी योग शिक्षकों, योग साधकों को मेरा प्रणाम। आपके अंदर निहित आत्मा को मेरा प्रणाम। आज का विषय है योग विज्ञान। विज्ञान की कसौटी पर योग। अभी आपने एक गीत सुना, योग करें रहे निरोग। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी साइंस जानेंगे। ये तो हम सब करते हैं योग, और उससे स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, पर जब हम किसी चीज के पीछे का विज्ञान समझते हुए करते हैं तो हमारा विश्वास भी दृढ़ होता है और हमें परिणाम भी उसके और अच्छे मिलने लगते हैं। योग में आप सभी व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और इसके आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये लक्ष्य है योग का। हम पहले पायदान से प्रारंभ करते हैं, जो आप करते हैं रोजाना व्यायाम। व्यायाम हमारे शरीर में क्या प्रभाव लाता है, थोड़ा सा मुझे हो रहा था इसलिए मैं आगे। व्यायाम से हमारे शरीर का जो इंजन है, हमारा हृदय और हमारे पेट, ये दोनों पुष्ट होते हैं, मतलब इनकी हॉर्स पावर बढ़ जाती है। आवाज सबको आ रही है ना प्रॉपर? जी जी जी, आवाज सबको आ रही है जी? वॉल्यूम बढ़ाई जाए, आ रही है? जैसे किसी गाड़ी का इंजन होता है, उसकी एक अपनी हॉर्स पावर होती है, इसी तरीके से हमारे शरीर में हार्ट और लंग्स, ये हमारे शरीर का इंजन है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, गहरे लंबे श्वास लेते हैं,
तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और जो हार्ट की गति बढ़ जाती है उससे पूरे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजनेटेड अच्छा ब्लड पहुंचता है और इस तरीके से हमें शारीरिक लाभ। Thank you.
खाना भी बनाना है, बच्चे को तैयार करके स्कूल भी भेजना है, अगर परिवार में बुजुर्ग सदस्य है तो उनकी भी देखभाल करना है, अपने लिए भी तैयारी करनी है, उसके बाद हम अपने कार्यों को कर पाते हैं। तो आवश्यकता है हमें आज यहाँ पर जिस टॉपिक पर आज यहाँ पर चर्चा हो रही है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। योग एक ऐसा माध्यम है, योग और व्यायाम जो टेंशन हमारे लिए है। आज एक रिसर्च हुआ जिसमें आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन पंक्तियों में कुछ स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और चलिए अब के साथ में नर अनुप्रास प्रस्तार यमक, नर अनुप्रास प्रस्तार यमक, नारी यति गति लय मात्रा है पुरुष मील का ही पत्थर, है पुरुष मील का ही पत्थर, नारी जीवन की यात्रा है पुरुष मील का ही पत्थर, नारी जीवन की यात्रा है। श्री गणेश जी प्रथम पूज, श्री गणेश जी प्रथम पूज, चूहा ही मिला सवारी को, लेकिन मानस का राजहंस मिला भगवती नारी को, लेकिन मानस का राजहंस मिला भगवती नारी को। तप में वशिष्ठ से जीत गए, तप में वशिष्ठ से जीत गए, बढ़ गए श्रेष्ठ में विधुना से, पर मारे विश्वामित्र गए छोटी सी नार मेनिका से, पर मारे विश्वामित्र गए छोटी सी नार मेनिका से। श्री राम धरे रहते घर में, श्री राम धरे रहते घर में, सीता का हरण नहीं होता, श्री राम धरे रहते घर में, सीता का हरण नहीं होता, रावण रामायण नहीं रची जाती, रावण का मरण नहीं होता, रामायण नहीं रची जाती, रावण का मरण नहीं होता। होता न दुशासन का अंत, होता न दुशासन का अंत, कौरव कुल शरण नहीं होता, कौरव कुल शरण नहीं होता, यदि भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा का हरण नहीं होता, यदि भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा का हरण नहीं होता। श्री कृष्ण पर, श्री कृष्ण पर एक नहीं, श्री कृष्ण पर एक नहीं 16,000 की छाया थी, श्री कृष्ण पर एक नहीं 16,000 की छाया थी। ब्रजवल्लभ
जिनमें जो आप व्यायाम करते हैं उससे शरीर के स्तर तक रह जाता है। जब इसमें आप आसन जोड़ते हैं तो क्या होता है, आसन से शरीर का लचीलापन बना रहता है। अगर आप खाली व्यायाम करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रांग होगी, बोन स्ट्रांग होगी, लेकिन एक स्टिफनेस आ जाएगी। उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए आप आसन करते हैं और अलग अलग तरीकों के आसन से फिर और एक और लाभ मिलता है, वो होता है अलग अलग ग्रंथियां शरीर में जो हार्मोन्स पैदा कर रही हैं वो उत्तेजित होती हैं। जैसे आप मुंडू का आसन करते हैं तो उसमें आप अपने पेंक्रियास पे दबाव देते हैं और वहाँ पर खून का दौरान बढ़ता है और उसके बढ़ने से आपकी Thank you.
नर तभी नरोत्तम बनता है या पुरुषोत्तम कहलाता है जब उसका पल्ला किसी किनारे से कसकर बंध जाता है, जब उसका पल्ला किसी किनारे से कसकर बंध जाता है। अब मैं कुछ कहना चाहूंगी, मन की आशा भी नारी है, मन की आशा भी नारी है, तन की आशा भी नारी है, मन की आशा भी नारी है, तन की आशा भी नारी है, और हम सब जिस पर है टिके हुए वो वसुंधरा भी नारी है, वो वसुंधरा भी नारी है। नरभुष नारी चिंगारी है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भुष और चिंगारी, नरभुष नारी चिंगारी है, नर काठ की नारी यारी है, मत गाय समझ ले ना पगलों, मत गाय समझ ले ना पगलों, नारी तलवार दुधारी है, नारी तलवार दुधारी है, नारी तलवार दुधारी है, माता नारी बहना नारी, माता नारी बहना नारी, उर्मे बसी प्रिया भी नारी है, माता नारी बहना नारी, उर्मे बसी प्रिया भी नारी है, और मरने पर भी छोड़े न पिंड, और मरने पर भी छोड़े न पिंड, जल रही चिता भी नारी है, चिता जल रही चिता भी नारी है, नर जल कांटा गुलाब में पाओगे, सॉरी कांटा गुलाब में पाओगे, कांटा गुलाब में पाओगे, कलयुग में नाग्र नहीं होगा, कांटा गुलाब में पाओगे, कलयुग में नाग्र नहीं होगा, चंदा में पाओगे कलंक बिजली में दाग नहीं होगा, चंदा में पाओगे कलंक बिजली में दाग नहीं होगा। अब अंतिम कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, यदि आपको अच्छी लगी तो मैं आपका जोरदार तालियों से समर्थन चाहूँगी आपका। है तोप नारी बंदूक नारी, है तोप नारी बंदूक नारी बारूद नारी, है तोप नारी बारूद नारी बंदूक नारी, उससे भी असरदार है यारो, उससे भी असरदार है यारो, नारी की बोली, उससे भी असरदार है यारो, नारी की बोली। ओम, सभी से निवेदन है, सभी बहनों से, अभी चार पांच बहनें बाहर गई हैं, नीलू बाहर से बहनों को बुला के ले आओ, कृपया आप लोग बिना लंच लिए ना जाएं, और पूनम जी गेट पे दो बहनें खड़ी हो जाइए, पूनम जी आप बाहर जाइए, और कोई भी बहन बिना लंच पैक लेके नहीं जाएगी, आप इधर जाइए। हाँ ठीक है, एक पर्स स्टेज पे है, किसी का गेट गया है, शायद अभी प्रभा विष्ट जी आए थे, हाँ प्लीज़ यहाँ से आप अपनी पर्स कलेक्ट करें, और गेट पे दो बहनें खड़ी हो जाएं, बिना लंच लिए प्लीज़ मत जाइएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जो भी व्यवस्था है आप सभी के लिए ही है और आप सभी से ही है, तो निवेदन है जो भी प्रसाद रूप में है, हमारे गार्जियन भी बैठे हैं, जब आपको देखती हूँ तो मुझे यही भाव मन में आता है कि हमारे अभिभावक के रूप में आप हम सभी के बीच में रहते हैं तो हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। परम आदरणीय डॉक्टर अर्चना भटनागर जी, जो कि हमारे पतंजलि की पेट्रन मेंबर भी हैं और परम श्रद्धे पूज्य स्वामी जी महाराज का विशेष आशीर्वाद भी आपको प्राप्त है, आप पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं, राजाजीपुरम में आपकी हॉस्पिटल है, और लगातार हमारे संगठन से जुड़ करके सेवा देती रहती हैं, कभी भी प्रशिक्षण शिविर होता है, कोई भी मीटिंग आदि है, कोई भी कार्यक्रम है, तो आपका बहुमूल्य समय हम सभी को मिलता रहता है। और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो योग में, अध्यात्म में, आयुर्वेद में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और सिर्फ पकड़ ही नहीं है, आप योग को आत्मसात करती हैं, आप योग में, अध्यात्म में जीती हैं, क्योंकि अभी जो मार्गदर्शन, जो शब्द आप उनके सुनेंगे, आप सब भी यही महसूस करेंगे। तो अभी उनका उद्बोधन है हम सभी के बीच में योग विज्ञान पर, तो आइए जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय भाई और बहनें, सभी का पुनः स्वागत करते हुए आप सभी को भी कोटि कोटि वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत रूप से करते हैं, आइए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत वंदना के साथ करते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हैं। भगवान श्री गणेश की वंदना, क्योंकि उनके वजह से है कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो शुरुआत दीदी
मैं भी जुड़ रही आप।
अणु से। व्यायाम से हमारे शरीर का जो इंजन है, हमारा नंबर वाली लाइन है, और हमारे उमा दीदी का दोनों पुष्ट होते हैं, मतलब इनकी हॉर्स पावर बढ़ जाती है। आवाज आप लोगों को आ रही है ना? इसी से
हम सभी शक्तिशाली होते हैं, गतिशील होते हैं। इस पवित्र ओम की ध्वनि के साथ आज का यह कार्यक्रम शुरू होता है। तेरी अमर गाथा का गुणगान करती हूँ हे जगत जननी, तुझे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।